Ipshita and welcome back to my channel Ipshita's Vibes. So guys, aaj ka video is going to be a review video and this is going to be my second wow review video. तो मैंने wow के कुछ और products खरीदे हैं जिनका मैंने already unboxing शायद share कर दिया है. And guys, उन्हीं तीन products का मैं आज review करने वाली हूँ. And trust me, उसमें से एक product तो मेरा favorite बन चुका है. So I'm going to review that first. So without further ado, let's get started. So as I told you, the first product which has become my current favorite is this one. This is the product which I'm going to review first. This is the Wow Uptan Serum. And guys, this is an amazing product. Trust me, ये इतना अच्छा है ना. Like after Mamaearth, I think I have already got a serum जिसको मैं अभी use करने वाली हूँ काफी long time के लिए. So this is basically a 30 ml pack and it comes at a price of 599 rupees, which is pretty reasonable. So this has got extremely good ingredients in it. It has got saffron extract, turmeric extract, sandalwood extract, aloe vera is there. It has got rose water extract. Lamba list hai achhe achhe ingredients ka. And mostly uptan mein, jo hum log ghar mein uptan banate hai, usme jo products hum log use karte hai, like almond oil, sweet almond oil, then saffron etc. are all present in this one. Sabka goodness आपको इसमें मिल जाएगा. एंड स्पेशली इसका जो स्मेल है ना, वो आपको उपतन का ही याद दिलाएगा. ऑनेस्टली इतना अच्छा स्मेल मुझे मामाअर्थ के उपतन सीरम में भी नहीं मिला है. इसका फ्रेग्रेंस इज जस्ट टू गुड. एब्सोल्युटली टर्मरिक और सैंडलवुड का एक मिक्सचर वाला स्मेल आता है. लाइक इट्स वेरी वेरी गुड. एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द पास्ट 1.5 वीक एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे स्किन को बहुत अच्छा सूट कर गया है. मेरे स्किन में काफी ज्यादा पैचेस हो रखे थे, बेसिकली टैन पैचेस, स्पेशली अराउंड माई चिन एरिया, जो की काफी हद तक फेड हो चुका है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यूजिंग दिस इज मैं जब इसको रात को मेरे नाइट टाइम स्किन केयर में मैं इसको अप्लाई करती हूँ, एंड वंस आई अप्लाई इट एंड सुबह को जब मैं उठती हूँ ना, आई गेट दैट ग्लो ऑन माई फेस. सो आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. So this is basically an anti-tanning, radiance boosting and rejuvenating product. So this comes in this kind of a glass bottle जैसे normal serums आते हैं, and इसका एक pump pack है. So once you pump it out, ये serum निकल जाता है. And इसका texture भी काफी ज्यादा smooth है, like very very smooth, एकदम silky finish है. मैंने Mamaearth का भी उपतन सीरम यूज किया है, उसका टेक्सचर भी काफी अच्छा है, बट दिस इज एक्सट्रीमली स्मूथ फिनिश. एंड ये इतना ज्यादा लाइट वेट है ना कि ये बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर जाता है. आप ऑलरेडी देख सकते हो, लाइक बात करते करते ही ये अब्सॉर्ब हो चुका है मेरे स्किन में. सो इट्स दैट लाइट वेट. तो ये क्लेम करता है कि ये आपके टैन को हटा देगा, एंड एक्चुअली इट डज. अगर आपको इस टाइप का कोई भी इश्यू है, लाइक यू आर हैविंग सन टैन, या फिर आपका स्किन थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, या थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं, देन आप आग बंद करके इस सीरम को खरीद लो. एंड बाय द वे, ये वाला सीरम ना मुझे फ्री में मिला था, बिकॉज वाओ पे तब ना एक ऑफर चल रहा था कि आप दो प्रोडक्ट खरीदो तो उसके साथ ये वाओ का उपतन सीरम आपको फ्री में मिलेगा. सो बी इट अ फ्री प्रोडक्ट, या फिर अगर इसके पीछे 599 स्पेंड भी करना पड़े, इट इज एब्सोल्युटली वर्थ एवरी पेनी. सो डू ट्राई दिस आउट, आई विल हाईली रिकमेंड दिस. सो द सेकंड प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू रिव्यू इज दिस वन. दिस इज अ विटामिन सी स्किन मिस्ट, एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइज. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज इट कम्स इन अ स्प्रे पैक. लाइक वाओ के सारे टोनर्स एंड मिस्ट, दे कम इन अ स्प्रे पैक, विच इज द बेस्ट पार्ट. लाइक स्प्रे पैक में आई फील कि प्रोडक्ट का वेस्टेज बहुत कम होता है. लाइक जितना आपको चाहिए आप उतना ही यूज करते हो. एंड ऐसे ही है, यू ओपन दिस स्प्रे पैक एंड ओवर हियर यू विल गेट द नोजल एंड एवरीथिंग. सो दिस इज बेसिकली अ 200 ml पैक एंड इट कम्स एट अ प्राइस ऑफ 399 रुपीज, विच इज प्रीटी रीजनेबल. एंड दिस कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स लाइक लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड विच हेजल. सो ओवरऑल काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है इसमें. सो नाउ लेट्स कम टू द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑन माई स्किन. तो इसका इफेक्ट काफी अच्छा रहा है गाइज. ये जब आप स्प्रे करते हो आपके फेस के ऊपर, बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग एक फीलिंग देता है. द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी जेंटल. लाइक मैंने लास्ट टाइम नियासिनमाइड टोनर का रिव्यू किया था, एंड आई टोल्ड यू कि उसका फ्रेग्रेंस मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट दिस फ्रेग्रेंस इज समथिंग ऑसम. दिस एब्सोल्युटली स्मेल्स लाइक ऑरेंज ऑयल, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा. एंड इट इज पैराबेन, सिलिकॉन सल्फेट एंड मिनरल ऑयल फ्री, सो बहुत ही सेफ है फॉर एवरी वन टू यूज. If you have got an oily and combination skin, you can definitely go for this toner. ये आपके oil secretion को भी काफी हद तक control करता है, and ये आपकी skin को बहुत अच्छे तरीके से hydrated रखता है. Plus
पीएच बैलेंस भी मेंटेन करता है. सो आई विल हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू ऑल ऑफ यू. द लिंक ऑफ द प्रोडक्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैं आज जितने भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर कर रही हूँ उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होगा, यू कैन चेक आउट. सो द थर्ड प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू रिव्यू इज द विटामिन सी फेस वॉश. सो बेसिकली मेरे लास्ट रिव्यू को अगर आपने देखा होगा तो उसमें आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड द विटामिन सी फेस वॉश. मैंने उस टाइम शायद फोमिंग फेस वॉश लिया था एंड दिस टाइम आई हैव गॉन फॉर द पंप पैक. सो अगर आपने वो मिस आउट कर दिया है प्लीज गो एंड चेक इट आउट. आई विल लिंक इट इन द आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइडेड होगा. सो दिस इज बेसिकली द सेम फेस वॉश, बस डिफरेंस यही है कि ये पंप पैक में आ रहा है एंड दिस इज अ 200 ml पैक एंड इट इज प्राइस्ड एट 399 rupees. सो वो 150 ml का आता है एट 399 rupees, ये 200 ml का आता है 399 rupees. टेक्सचर वाइज थोड़ा डिफरेंस है, उसमें यू गेट अ माइल्डर फेस वॉश बिकॉज वो फोमिंग फेस वॉश होता है तो ज्यादा हल्का होता है, लाइक पतला होता है बेसिकली एंड ये थोड़ा गाढ़ा होता है. एंड एज वी क्लेम इट हेल्प्स टू ब्राइटन योर स्किन टोन, इट फेड्स इट्स स्पॉट्स एंड रिड्यूस फाइन लाइन. सो इतना ज्यादा आई एम रियली नॉट श्योर ऑफ, बट येस ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लेंस करता है, दैट इज फॉर श्योर. एंड इट इज वेरी माइल्ड, आपका स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होता है एंड वंस यू वॉश योर फेस यू विल गेट एन इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट. सो दैट इज समथिंग ट्रू एंड येस इट कंट्रोल्स योर ऑयल सीक्रेशन. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फेस वॉश इज द फ्रेग्रेंस, बिल्कुल ही लेमन ऑयल का स्मेल आता है विच इज माई फेवरेट बिकॉज मुझे फ्रूटी स्मेल्स बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रूटी एंड फ्लावरी स्मेल्स. सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस फेस वॉश टू यू ऑल. इफ यू हैव गॉट ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. सो गाइज इन तीनों के साथ मुझे एक फ्री गिफ्ट मिला था एंड विच इज दिस 25 ml का एक वाओ का अनियन शैम्पू. सो बेसिकली ये अनियन शैम्पू ना मैंने पहले यूज किया हुआ है, सो दैट इज वाई थॉट कि मैं रिव्यू शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ. सो ये जो शैम्पू है बेसिकली इसका 200 ml का पैक आता है विच कम्स एट अ प्राइस ऑफ 345 rupees. आई थिंक इट्स अ प्रीटी रीजनेबल बाय. सो द शैम्पू का टेक्सचर इज प्रीटी गुड, लाइक बहुत ही माइल्ड है एंड इसको मैं जनरली जैसे पानी में यू नो लैदर अप करके ही अपने स्कैल्प में यूज करती हूँ एंड मुझे काफी अच्छा रिजल्ट इसका मिला हुआ है ऑलरेडी. सो बेसिकली दी क्लेम कि द अनियन शैम्पू आपके रूट्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करता है and it gives your hair a very nice shine and at the same time hair fall ko control karta hai. And yes, this is a no paraben, no sulfate and no silicone shampoo, so that is why safe to use. So now I would like to share my personal experience with this shampoo. So maine basically ye shampoo almost 5 to 6 months ke liye use kiya tha एंड इसका इफेक्ट काफी अच्छा रहा था मेरे हेयर के ऊपर. इट यूज टू रियली क्लीन माई स्कैल्प वेल एंड प्रोडक्ट बिल्डअप होने नहीं देता था एंड मेरे स्किन में उस टाइम में ना थोड़ा बहुत इचिनेस भी था तो वो उसको भी कंट्रोल कर रहा था एंड आई रियली लाइक द प्रोडक्ट. बट येस इट हैज नेवर कंट्रोल्ड माई हेयर फॉल, लाइक हेयर फॉल को ये बंद कर देगा या फिर इसको लगाने के बाद आपका हेयर ब्रेकेज नहीं होगा, आई वुड रियली नॉट से दैट बिकॉज ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है एंड मेरा जो नॉर्मल रेगुलर हेयर फॉल होता था वैसे ही होता था, कुछ अलग डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला था. सो दैट इज वन पॉइंट आई वुड लाइक टू एड. सो इफ यू रियली वॉन्ट कि आपका हेयर बहुत अच्छे से क्लीन हो, प्रोडक्ट बिल्डअप ना हो एंड आपका रूट भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहे, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस शैम्पू. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज रिव्यू वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. एंड गाइज प्लीज टू सब्सक्राइब to my channel. I will be back with another interesting video. So till then, be safe, be happy and stay positive. Bye bye guys. Thank you.